पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह एक स्टिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया है और यह स्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश शरारतन आयोजित की गई साजिश पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है या एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेसी है और स्पॉन्सर्ड है, अब यह स्पष्ट हो गया है। आश्चर्य होता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख के साथ की सुरक्षा के साथ ब्लू बुक और प्रोटोकॉल के तहत भी सुरक्षा के जिन सामान्य नियमों का पालन पंजाब सरकार को करना चाहिए था, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के आगमन पर राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक स्वयं उपस्थित होकर के भौतिक उपस्थिति से अगवानी करते, उस सामान्य शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का भी पालन पंजाब की सरकार ने नहीं किया था। किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के पहले इंटेलिजेंस के इनपुट आते हैं, लोकल इंटेलिजेंस पूरे रूट चार्ट को पूरे मूवमेंट को विस्तृत रूप से शासन के संज्ञान में उपलब्ध करवाती है और इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ तत्वों के बयान जिस प्रकार से आ रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट जिस रूप में थे और यह इंटेलिजेंस इनपुट में पहले से था कि प्रधानमंत्री जी की रैली में 1,00,000 से अधिक लोग आएंगे, उस सब के बावजूद मौसम खराब है, वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी पहले से वहां के स्थानीय प्रशासन और शासन के संज्ञान में था, लेकिन फिर भी इन सब की अनदेखी करते हुए प्रधानमंत्री जी की फ्लीट को वहां पर रोका गया था जहां पर कोई भी ड्रोन का हमला या सुरक्षा पर आसानी से सेंध लगाने की शरारतपूर्ण चेष्टा हो सकती थी। और इन सब की अनदेखी पंजाब सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी के पंजाब विजिट के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री की उपस्थिति न होना, वहां के मुख्य सचिव और डीजीपी के अनुपस्थित होना, ये ब्लू बुक और प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वह एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, जबकि उस दौरान हर व्यक्ति इस बात को देखता है
कि वे बिना मास्क के विचरण करते हुए देखे गए और वह इन सब की यानी सुरक्षा की खिल्ली उड़ाते हुए भी देखे गए। इस सारा घटनाक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख की सुरक्षा के साथ, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और देश के सम्मान के साथ किस शरारतपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी आज खिलवाड़ कर रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल हास्यास्पद और निंदनीय है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी को सूचित किया था। यह साजिश, इस खूनी साजिश को और भी पर्दाफाश करता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से सुरक्षा की एक भीषण खामी के प्रति एक ऐसे व्यक्ति को सूचना देने की बात कर रहे हैं जो न पंजाब से न भारत सरकार से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जुड़े हैं, और यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार सुरक्षा से जुड़े हुए इन सभी मामलों में न केवल भारत के संवैधानिक प्रावधानों का खुले काम उल्लंघन कर रही थी, बल्कि इस देश के खिलाफ एक साजिश कर रही थी। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के नेताओं का, अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए, और जो कुछ भी 5 जनवरी के दिन इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ साजिश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है, वह कांग्रेस पार्टी की असलियत को भी पूरे देश की जनता के सामने प्रस्तुत करता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और भारत के संवैधानिक मूल्यों और मापदंडों की कैसे अवमानना कांग्रेस पार्टी के द्वारा और एक सरकार के द्वारा किया गया है। यह उन्हें देश की जनता के सामने स्पष्ट करना होगा और देश की जनता से उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में खूनी साजिश का आरोप भी उन्होंने लगाया, कहा कि पीएम के खिलाफ ये पूर्व प्रायोजित साजिश थी। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया, पीएम की सुरक्षा में खूनी साजिश की बात वो कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पीएम के खिलाफ ये पूर्व प्रायोजित साजिश थी, क्योंकि नियमों की अनदेखी की गई, नियमों का पालन नहीं किया गया। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।